बजाज की सिटी 100 125 एक्स बाइक को ऐसा बोला गया है कि आप इसको ऑफ रोड में चला सकते हैं, आप इसको गांव की सड़कों पे चला सकते हैं जहां पे सड़कें उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो उसी हिसाब से इसका मडगार्ड भी दिया गया है, उसी हिसाब से इसमें चौड़े पीछे के वाइड टायर्स दिए गए हैं, हैंडलिंग भी अच्छी दी गई है ताकि आप मजबूती से पकड़ सकें, और बीच में एक रड भी लगाया यहाँ पे गया है। तो आइए इसको देखते हैं कि ऑफ रोड में कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हमने चलाई हैं ऑफ रोड में, इसका क्या एक्सपीरियंस आता है। मैं अभी चला रहा हूँ यहाँ पे ऑफ रोड में, तो काफ़ी लंबा पैच है ऑफ रोड का, लगभग 2 किलोमीटर का, तो उन 2 किलोमीटर्स में मुझे ऑलमोस्ट अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, पर अब हम जाएंगे वापस और इसी ऑफ रोड के रास्ते से जाएंगे। गियर कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि गियर काफ़ी जल्दी चेंज करना होता है। इसका शॉकर कैसा परफॉर्म कर रही है वो हम बात करेंगे। तो चलिए इस बाइक को चलाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए तो हम यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं बाइक को। इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी दिया गया है, तो अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो पहले हम इसको कर रहे हैं न्यूट्रल पे। इसका पांचों गियर आगे की ओर आता है, मतलब उस पर पांचों गियर है, पीछे न्यूट्रल है। तो आगे की ओर हम दबाते हैं, उसके बाद पहला गियर लगता है, फिर जब आगे ही दोबारा दबाते हैं तो दूसरा गियर लगता है। नॉर्मल पांच गियर जैसी नहीं है, जैसे एक बार आगे दबाया और चार गियर पीछे है, तो वैसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। उसके आगे बढ़ते हैं हम, तो आप देख रहे हो, पहले तो आप ये देखिए कि रोड कितना ख़राब है। ये पुणे है और ये पुणे का कोई डैम है जहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे एक्चुअल नाम नहीं पता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए, रास्ते देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको खींचते हैं गाड़ी को, और मतलब रास्ता काफ़ी ही ख़राब है, क्या बोलूँ। तो जैसे अभी तक तो वही लग रहा है जैसे नॉर्मल गाड़ी हम लोग कोई भी चलाते हैं ऑफ रोड में, कम्यूटर सेगमेंट की, जो ये सेगमेंट है हमारा, उसी जैसा लग रहा है। अब हम पीछे के शॉकर की अगर बात करें ना, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। हैंडल तो हल्के है, आप देख रहे हैं, एक हाथ से भी आराम से मैनेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है हाथ पे, हल्के हाथ की गाड़ी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 125 सीसी में जैसे पल्सर 125 थोड़ी सी भारी गाड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर अगर देखें तो ये थोड़ी हल्की गाड़ी है हैंडलिंग के मामले में, तो आप आराम से हैंडलिंग इसका देख सकते हैं। इसके बाद हम ऑन रोड पे भी चलेंगे, हाईवे जो राइड होता है उस पे भी आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा हाईवे पे राइड होता है। पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको, अब इसमें हम जानबूझ के मैं गड्ढे में इसको ले जाता हूँ, ऐसा हल्का हाथ से ही मतलब काम चल जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा भारी हाथ देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है। उसके बाद अगर हम इसको अगर थोड़ा सा रफ़ भी करें ना, एक्चुअली थोड़ा मट्टी है इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, बट तो भी मतलब सिंगल राइडर अगर आप अकेले चला रहे हैं तो आराम से इस तरह से भी आप कुदा सकते हैं, मतलब जंप करा सकते हैं, रोड ब्रेकर्स पे जंप करा सकते हैं। गाड़ी आपके हाथ में ही रह रही है, गाड़ी इधर उधर भागने की कोशिश मतलब कुछ खास कर नहीं रही है, आराम से चलती जा रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, और मुझे बोलूं तो अक्सर जो है वो हायर सीसी सेगमेंट्स की बाइक चलाने का जो है आदत है, तो इसमें क्या किया गया है कि इसके फर्स्ट और सेकंड गियर में ज़्यादा पावर दिया गया है कंपेरेटिवली थर्ड फोर्थ। तो आप जब फर्स्ट और सेकंड गियर में होते हैं तो आपको टॉर्क अच्छा मिलता है, मतलब जो पुल पावर होती है, जो खींचने की क्षमता होती है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर में उस हिसाब से दिया गया है, थर्ड और फोर्थ गियर में अगर हम बात करें, और बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, मैं जिस गियर में हूँ उसी गियर में चला रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे अगर आप 20 से 30 के स्पीड में हैं तो तीसरे गियर पे आप आराम से चलते रह सकते हैं। तो तीसरा गियर का इसका जो स्पीड का रेंज होता है ना, जैसे कि एक बोल सकते हैं पहला गियर किसी किसी गाड़ियों में 0 से 5 चलता है, 0 से 7 चलता है, दूसरा गियर 15 चलता है, तीसरा गियर 24 चलता है, 27 चलता है, इजी स्पीड जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग स्पीड, वो चीज़ यहाँ पे सही है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। थर्ड गियर में आपको लगभग 15 के स्पीड से लेके, आप देखिए अभी 15 के स्पीड में, ओह चीटा पड़ गया मेरे पैर पे, तो 15 की स्पीड पे है, और 15 से लेके मैं इसको 45 तक मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी गियर पे चली जा रही है, और गाड़ी जो है, बाइक जो है,
कोई भी नॉकिंग साउंड नहीं बना रही है। नॉकिंग मतलब इंजन प्ले हम लोग जो बोलते हैं, वैसा नहीं हो रहा है कि गाड़ी अंडर गियर आ गई, गाड़ी अंडर परफॉर्मेंस आ गई, तो ऐसा वाला बात नहीं आ रहा है इस बाइक के साथ। मतलब चल रही है आराम से, चलती जा रही है आराम से। अब जब हम इसको खींचते हैं तो भी उसी गियर पे, बिना गियर चेंज किए हुए ये खींच रही है। अगर फोर्थ पे गियर पे करते हैं तो भी खींच रही है, फाथवे पे करते हैं तो भी खींच रही है, और तुरंत अपने पिकअप को मेंटेन कर ले रही है। जितना इसको चाहिए वो यहाँ पे हमें मिल जा रहा है। एक बार हम गियर डाउन करके यहाँ पे देखें तो एक इसका खासियत लगा हमको, जो कि मैं ग्लैमर से कंपेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। तो ग्लैमर में 45 के स्पीड के बाद वो थोड़ा सा डिमांड करती है कि हमें थोड़ा सा और गियर चाहिए, एक दो गियर और चाहिए मेरे को, लेकिन ये 45 के स्पीड के बाद डिमांड नहीं करती है कि मेरे को और गियर चाहिए। ये तो इवन 50 के स्पीड तक चौथे गियर का ही बात करती है कि चौथे गियर पे चलाओ ना यार, पांचवे गियर पे मुझे 50 पे चलाओ फॉर हायर माइलेज, और अगर आप 60 पे चलाना चाहते हैं तो आराम से 60 पे चलाओ। वो हम आपके आपको ये हम आपको अभी हाईवे पे दिखाएंगे। तो इसी तरीके से है इसका डाउन शिफ्टिंग, थोड़ा सा अगर आप कर रहे हैं तो आपको जैसे इस तरह से, जैसे नॉर्मल किसी भी बाइक में आपको करना पड़ता है वही करना पड़ेगा। लेकिन आदत ये है कि हमारी एक नीचे और चार ऊपर होती है। यहाँ पे क्या है कि हमारा चारों पांचों गियर आगे की ओर है, तो उसके कारण थोड़ा सा आदत बनाना पड़ेगा आपको अगर आप चला रहे हैं तो। बाकी शॉकर, सस्पेंशन, ये सब अच्छा सेटअप यहाँ पे मुझे लगता है। इवन ये सब चीज़ें जो हैं आपको कंपनी फिटेड मिलती है, ये भी कंपनी फिटेड मिलती है, और ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी कंपनी फिटेड मिलती है। तो बहुत सारी बाइक्स में क्या होता है कि हम बाइक खरीदने जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं, यहाँ पे सब कुछ आपको कंपनी लगा के देगी, और इसका दाम भी कम है। तो ये डिस्क वेरिएंट है, तो ये आती है 74,500 रुपये एक शोरूम। आप पता कर लीजिए कि आपने आपके स्टेट में ऑन रोड कितनी आ रही है। मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि 100cc की स्प्लेंडर इसी के रेट में आती है, मतलब वो 100cc और ये 125cc दोनों बराबर रेट में आ रही है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हैं अगर बात करें एक नॉर्मल स्प्लेंडर से। जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट ही आप देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा आपको मिल जाती है। एक लॉन्ग सीट, एक वाइडर टायर, एक हायर परफॉर्मेंस इंजन जो कि 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। चलिए हाईवे पे चलते हैं और हाईवे वाली बात आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऑफ रोड वाली बात बताई। तो अब हम यहाँ पे हाईवे पे आ गए हैं, तो हाईवे पे मैं एक बार स्पीड चेक करता हूँ इसका कि 0 to पिकअप कितना में ले रही है, कितना देर में। साठ तो कब की पार कर गई। तो पिकअप मुझे लग रहा है कि सही है इसमें, जो 125cc सेगमेंट के अनुसार जो टॉर्क मिलना चाहिए, टॉर्क तो लग रहा है कि तुरंत जो पूरा इसका पावर है वो इनिशियल गियर्स पे, यानी कि एक दो तीन गियर पे ही पूरा निकाल के आपको दे दे रही है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप आगे जाइए, 45 के बाद हम आगे बात करेंगे आपसे कि हम और ज़्यादा तेज़ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये पहले ही सब निकाल के दे दे रही है, तुरंत जाके वहाँ पहुँच जा रही है जहाँ इसको जाना चाहिए। मैं चला ही रहा हूँ बहुत सारे अलग अलग बाइक्स को, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी बाइक्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो ये अपने सीसी परफॉर्मेंस के अनुसार, जो इसका सेगमेंट है, सेगमेंट के अनुसार ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये 125cc में, जैसे पल्सर भी मुझे थोड़ी, क्योंकि पल्सर का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सेम टॉर्क एंड पावर के साथ पल्सर थोड़ी सी इसके मुकाबले उतनी नहीं लगती है। तो प्राइस भी इसका कम है, वज़न भी कम है, मल्टीटास्किंग के लिए बनाई गई है, और उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सही परफॉर्म कर रही है। इस बाइक की राइड क्वालिटी की बात करें तो लगातार लगभग ये 60 के स्पीड में, 55-60 के स्पीड में चलती है। जैसे कि पांचवे गियर पे इसकी कैपेसिटी जो है वो इको स्पीड की, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें भी आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाएगा, वो 60 की स्पीड आराम से है, क्योंकि आराम से ये 60 की स्पीड में चल रही है। मैं लगातार चला रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई इस बाइक के बारे में। बाय बाय।